नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसके अंदर एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सी मिनी चीज़ लेके आए हैं जो कि घर के जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसमें कभी भी आपको काम आ सकती है। वैसे बेसिक अपन एक बड़ी मशीन घर पे रखते हैं, सिलाई मशीन, लेकिन एक छोटी कॉम्पैक्ट हैंडी मशीन भी होना ज़रूरी है क्योंकि कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें काफ़ी ज़रूरत। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं यहाँ पे ये चिलक्स प्लस चिलैक्स वॉट एवर जो भी नाम है इस कंपनी का, चिलैक्स प्लस की जो मिनी स्विंग मशीन है वो लेके आए हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट मशीन है। 4-in-1 इसको क्यों कहा गया है ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने इसको काफ़ी देखा है, समझा, रिव्यू किया जो भी है, और इस मशीन के अंदर ये कुछ सामान हैं जो कि आते हैं, अभी अपन देखते हैं। इस पर्टिकुलर मशीन के जो मॉडल नंबर की बात करूं तो इसमें ये मॉडल नंबर है इसका है वो SM201 का। ये जो रिटेल बॉक्स है इसके ऊपर हम देख लेते हैं आखिर यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। तो मैं आपको यहाँ पे देखो, एक स्विंग मशीन है, एक मेटल बॉबिन है, निडल है और एक निडल थ्रेडर है, एक फुट पेडल फुट है, एक अडेप्टर है, यूजर मैनुअल है और ये सब बाकी अदर डिटेल। MRP इसकी है 1699, लेकिन ये ऑनलाइन 1100 के समथिंग पड़ी है। और इस पर्टिकुलर मॉडल काफी ज्यादा परचेज किया हुआ और काफी ज्यादा इसके रिव्यू है। तो ये वेस्ट बंगाल की कोई कंपनी है। तो मैं एक बार फटाफट जो इसका बॉक्स है इसको ओपन कर देता हूँ और देखते हैं कि आखिर इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये जो पीछे जितना सामान दिख रहा है ये कुछ मिलता है हमें बॉक्स के अंदर। और सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसकी इस पैकेट के अंदर हमें मिलते हैं 1 2 3 4 5 जो मेटल बोबिन्स, 5 जो मेटल बोबिन से वो, और साथ में एक मिलता है निडल थ्रेडर। इसकी मदद से आप क्या है कि ये जो है ना, आप इसको निडल में फंसाकर और धागे को आसानी से जो इसकी निडल होती है उसमें पिरो सकते हैं। अभी कैसे पिरोते हैं अभी हम आपको दिखाएंगे। तो रख देते हैं साइड में। इसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है कि यूजर मैनुअल, रख देते हैं साइड में। फिर मिलता है यहाँ पे हमें जो चार्जर एसी अडेप्टर मिलता है जो कि 6 वोल्ट 1000 mA का चार्जर है और इस तरह से इसके राउंड पिन है। कोड की लेंथ कर रहे हैं तो कोड की लेंथ हम देख लेते हैं एक बार, लगभग 90 सेंटीमीटर की इसकी कोड है। तो आपको इसको यूज करने के लिए एक टेबल या इस पे यूज पड़ेगा और बाकी आप इसको एक्सटेंडेड जो चार्जर आती है लेंथ इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको साइड में रख देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे एक फुट पेडल मिलता है जिसको आप पैर की मदद से इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। प्लास्टिक का है और इसकी जो लेंथ है काफी लंबी है, तो इसको मेरे को नाप के दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी सफिशिएंट लेंथ है। बात करें तो ये आती है अपनी मेन चिलक्स प्लस की मिनी स्विंग मशीन। तो यहाँ पे ये मैंने थ्रेड निकाल दिया है, यहाँ पे फ्रंट में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा रोटेटर दिया है जिससे मैंने इसको एक हाथ में पकड़ रखा है, देखो कितना इजीली है। तो इसका ये जो फ्रंट है ये इसको आप चाहे तो ऐसे हाथ से भी घुमा सकते हैं और बाकी ये बैटरी से भी चलती है और बिजली से भी चलती है। इसके आगे की साइड यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक छोटा सा आपका दिया हुआ है, ये इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं इस बॉबिन के अंदर जैसे लपेटना, यहाँ पे आप वो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आप ये जो थ्रेड स्पिंडल आती है इनको आप यहाँ पे लगा सकते हैं और फिर यहाँ से आप इस बॉबिन पे इसको लपेट कर इसको चलाकर इसको बॉबिन को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड में एक और दिया हुआ है, अगर आप बॉबिन से मतलब आपको कम ही आगे की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह लगा के यहाँ पे थ्रू भी आप यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं, इसको लगा के डायरेक्ट उसमें लगा दें। इसके अलावा यहाँ फ्रंट के अंदर एक ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, तो इसको आप दबा के प्रेस करके रखेंगे तब मशीन चलेगी, इसको बंद रखेंगे तो बंद रहेगी। मशीन चलाने के लिए आपको केवल इसको हल्का सा प्रेस करना है और उसके थ्रू मशीन चलेगी। यहाँ पे एक स्पीड का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे L का मतलब ये इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये लो स्पीड में चलेगी और इसको ऑफ कंडीशन में रखेंगे तो ये हाई स्पीड में चलेंगी। यहाँ ऊपर की साइड ये जो है टेंशनर दिया हुआ है जिसके थ्रू हेड लगाएंगे उसका जो टेंशन है वो मेंटेन रहेगा। और ये यहाँ पे तो मशीन के इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पे आपको एक लैंप का साइन दिख रहा है, सीजर का साइन दिख रहा है। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह छोटी सी ब्लेड लगी हुई है जिसके थ्रू आप थ्रेड है उसको काट सकते हैं, यहाँ से लेना है थ्रेड को और यहाँ पे लग और ये इजीली कट जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है और यहाँ पे एक LED लगाई हुई है जो ये सिलाई वाला पोर्शन है, यहाँ पे लाइट नहीं रहती है। इस साइड ये पोजिशन को ऊपर नीचे करने के लिए ये हैंडल दिया हुआ है। यहाँ कंपार्टमेंट की बात करें तो नीचे वाला बॉबिन कंपार्टमेंट है कुछ ऐसा खुलता है और यहाँ पे थ्रेड बॉबिन है वो यहाँ पे सेट हो जाता है। तो ये मैंने इसमें लगा दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ।
अब ये जो बेसिक इसको धागा लगाने की प्रक्रिया थी वो हो गई है। अब मेरे को इसको निडल में से पास करना है, तो उसके लिए मैं हेल्प लूँगा इसकी। मैंने इसको इसको प्रेस कर दिया है। अब इसके अंदर मैं इसको धागे को ऐसे पिरोल दूँगा, धागे को मैं इसमें से निकाल लूँगा और इसको ऐसे पकड़ के खींच लूँगा। तो इस तरह से ये जो है ये टूल काम में आता है धागे को इसमें पिरोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दी है और साथ में जो ये पेडल है इसको भी यहाँ पे अटैच कर दिया है। एक बार लाइट जला देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इसमें लाइट आ गई है। ठीक है, इसमें लाइट आ गई है, यहाँ पे धागा भी निकल चुका है। ये मैं कुछ अब मैं इसको फुट पेडल को थोड़ा प्रेस करूँगा, मैं स्लो कर देता हूँ। देखिए जैसे धागा आ जाए तब इसको और यहाँ से काट लेना। तो कुछ इस तरह की इसमें सिलाई है। इस मशीन का एक यही ड्रॉबैक है कि इसमें एक फिक्स सिलाई है ना, आप इसको जिसकी लंबाई है इसको कम ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप एक तरह से देखते हैं जैसे कच्ची सिलाई करते हैं फिर पक्की सिलाई करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक यही कॉन्स्टेंट सिलाई है वो मिलेगी। इसकी स्पीड वगैरह ठीक ठाक है। आप एक बार मैं इसको फास्ट स्पीड पर आपको चला के दिखा देता हूँ। इसको कर दिया, मैं इसको फास्ट मोड पर कर देता हूँ। एक बार फास्ट मोड पर देखते हैं। ये इसकी फास्ट मोड, फास्ट मोड पे भी सिलाई ऑलमोस्ट होती है। तो इसकी सिलाई कैसी है हमने देख ली है। इसके नीचे की साइड में आपको बैटरी का कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे की साइड ये देखिए, यहाँ पे आप इसमें 1, 2, 3, 4 डबल ए साइज की जो बैटरी आती है वो लगानी पड़ेगी आपकी। 4 डबल ए साइज की बैटरी लगाने पर ये आप इसको बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन्हें वो फिल करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। यहाँ पे इसको ऐसा करके कुछ ऐसे पकड़ के रखना है और फिट करने दीजिए। ये इस तरह से ऑटोमेटिक इसमें ये देखिए फिल कर देता है। देखी जाए तो हैंडी पर्पज़ के हिसाब से ये मशीन काफ़ी ठीक है। इसके एक ही ड्रॉबैक सिलाई है, आप एकदम फिक्स पैटर्न की ही सिलाई कर सकते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसकी परफॉर्मेंस कैसी क्या है अब इसको यूज़ करने पे पता लगेगी। अभी तो ये एक इनिशियल रिव्यू ही है। और जैसे धागे सिलाई की क्वालिटी ठीक है, थोड़ी लंबी है और थोड़ा सा इसमें जो गैप है काफ़ी लंबा है, मतलब ये काम चलाऊ है। आप इसको अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। आप किसी ट्रेवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप इसको बैग में कैरी करके इजीली लेके जा सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको एक इनिशियल जो इसका एक ओवरव्यू है वो देने में सफल रहा होगा। आप यहाँ पे इसमें जो निडल है, एक निडल के बारे में मैंने बताया, यहाँ पे निडल है वो 14 नंबर की निडल आती है। तो आप इसको यहाँ से इस स्क्रू को लूज़ करके ये निडल निकाल सकते हैं और साथ जो इसके स्पेयर पार्ट आते हैं उसमें आपको यहाँ पर एक निडल एक्स्ट्रा, ये देखिए एक एक्स्ट्रा निडल आपको यहाँ पे दी हुई। इस पर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका नंबर है जो 14 नंबर वो लिखा हुआ है निडल का। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किस वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।